आज आप लोगों को हिंदी में पत्र लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही ये मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लिया है, जो आप लोगों के पेपर में बार बार रिपीट होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो सभी बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना है। प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र रोगी होने की दिशा में आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए प्रार्थना लिखनी है, बुखार होने की दिशा में या रोगी होने की दिशा में। तो सबसे पहले पत्र को लिखने से पहले सेवा में लिखा जाता है, याद रखना है। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन पर आप लोग इधर की साइड इतना स्पेस छोड़ करके आप लोग लिखोगे श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखोगे, जैसे इसमें दे रखा है नगर निगम प्राथमिक विद्यालय। ये लाइन कहाँ लिखनी है? बिना लाइन छोड़े इसी वाली लाइन के जस्ट नीचे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एड्रेस लिखना है कि आपका स्कूल कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर एड्रेस दे रखा है शक्ति नगर दिल्ली 6। और उसके बाद आप लोग यहाँ एक लाइन छोड़ोगे और इधर लिखोगे, यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए, महोदय। सिविनय से शुरू होगा ये। अगेन आप लोगों को यहाँ पे बिना लाइन छोड़े इसके जस्ट नीचे वाली लाइन से कॉमा लगा के लिखना शुरू कर देना है। सविनय निवेदन ये है कि मुझे कल रात से बुखार, ज्वर मतलब बुखार हो गया है। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम का सुझाव दिया है, रेस्ट करने का सुझाव मुझे डॉक्टर ने दिया है, इसलिए मुझे कृपया 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक 4 दिन का अवकाश देकर कृतार्थ करें। अवकाश मतलब छुट्टी। अब आप लोग यहाँ वो महीना लिखोगे जो महीना भी चल रहा है। जैसे अभी चल रहा है नवंबर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, और आज तारीख है 10 तारीख, तो मैं यहाँ लिखूंगी कि 10 नवंबर, 14 नवंबर तक, उसके बाद 4 दिन का अवकाश देकर कृतार्थ करें। तो डेट्स का ध्यान रखना है कि 10 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में 4 दिन आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ 5 दिन लिखना चाहूँगी तो यहाँ मैं 14 की जगह क्या लिखूँगी? 15, क्योंकि 10 से 15 तक 5 दिन का गैप है। अवकाश देकर कृतार्थ करें। उसके बाद सधन्यवाद आप लोगों को ज़रूर लिखना है। इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में सधन्यवाद, आपके आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ आप लोग अपना नाम लिखोगे और इसके साथ ही अपनी कक्षा, और यहाँ पर आज की डेट, जैसे आज है 10 नवंबर, तो यहाँ मैं लिखूँगी 5 की जगह 10, अप्रैल की जगह नवंबर, और सन 2022।